बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सन ड्राइड कबाब। इसके लिए मैं 1 किलो गोश्त ली, उसको इस तरह से कटा ली। अब घर में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसको लंबे रखना है और ये ज़्यादा मोटे भी नहीं रहना है और ना ज़्यादा बारीक रहना है। अगर मोटे रहेंगे तो सूखेंगे नहीं, और अगर बारीक रहेंगे तो हम तलते वक्त वो जल जाएंगे। तो इसको पहले अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से धोली में इसको हम छन्नी में डाल के छोड़ देंगे ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। देखिए, इसको छन्नी में डाल के छोड़ दी थी मैं, इसका पानी निकल गया जो भी था। फिर भी ये थोड़ा मॉइस्ट रहता, इसके अंदर मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, कोई भी किचन टॉवल लेके इसको ऐसे टैप करेंगे। ऐसे करते जाएंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर इसको ऐसे पलटाएंगे, इसको पलटाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। ऐसे ही करते करते ये मॉइस्चर पूरा चले जाएगा। देखिए, मैं इसको ड्राई कर ली। अब इसके अंदर थोड़े कुछ मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन है 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, नमक 3 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो मसाले हम ऐड कर रहे हैं, ये मसाले जब सूखते वक्त थोड़े झड़ जाते हैं, इसलिए थोड़े मसाले ज़्यादा ऐड करना। तो मैं मिर्ची 3 से 3.5 टीस्पून 3.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये सारे ऐड हो गए। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस देखिए, मैं इसके सीड्स नहीं निकाली, आप निकाल भी सकते, या वैसे भी ये निकल जाते, जब हम डालते रहेंगे तो निकल जाते। लेमन जूस मैं 2 ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए, मैं 2 नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। इससे मसाले जो है इसको चिपक जाते, इससे चिपट के रहते ही है, इसके लिए ये ऑयल ऐड करना ज़रूरी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले मिल जाएं। इसमें नींबू जो ऐड करी मैं, इससे इसका मज़ा बढ़ जाता। इसको ज़रूर ऐड करके देखिए आप, इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको आप ऐसे ही कोई भी ट्रेज में, स्टील के ट्रेज लेके आप उसको फैला के भी रख सकते हैं, यानी तो एक डोरी ली, देखिए मैं इस तरह से एक कोई डोरी लेके उसको बांध के, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ऐसे ही बांध के इसके ऊपर डाला जाता है। मैं इसको डाल के बताती हूँ आपको कैसे डालते हैं। देखिए, ऐसे लंबा जो कबाब हम कट करके रखे उसको इस तरह यहाँ पर लेंगे, ऐसा एक फेरी देंगे, लेके वापस लाएंगे। अगर बड़ा होगा तो हम फिर से एक बार उसको लेके जाएंगे यहाँ पर, अगर छोटा रहा तो हम वैसे ही छोड़ देंगे इसको। इसको टर्न करके ऐसे छोड़ देंगे तो जब हम लटकाएंगे तो ये गिरेंगे भी नहीं। और इसको धूप में सुखा लेना है ताकि इसमें बैक्टीरिया फॉर्म ना हो और ये अच्छे से सूख जाए। देखिए, इस तरह से बना लेंगे। और जो छोटे रहेंगे उसको हम यहाँ पर ऐसे फैला देंगे। अभी मैं और थोड़े डालूंगी, उसके बाद अगर छोटा रहा तो आप इस तरह से इसको खोल के डाल दे सकते हैं। देखिए, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको ऐसे हम रख के सुखा ले सकते हैं। और ये जो मैं बीन्स नहीं निकाली थी, देखिए ये खुद ही से बीन्स अलग हो जा रहे हैं, ये खुद ही से निकल जाते बीन्स। एक दिन की धूप में इतने सूख गए, देखिए ये अभी पूरे नहीं सूखे। अब इसको हम कट करके ट्रे में रख के 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे। इसको धूप में सुखा ली मैं, अच्छे से सूख गई है। ये 1 किलो गोश्त लिए थे हम, ये कम होकर 1.25 किलो हो गया है। और उसमें जो मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाली थी वो था लेमन, और उसको वॉश करके उसको पोंछी थी मैं। ये 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तल कर देखेंगे, तो मैं आपको तल के बता। मीडियम टू लो पे तलना है, अगर आप तेज आँच पे तलेंगे इसको तो ये जल जाते हैं। और इसको कंटिन्यूसली हिलाते हुए तलना है। आप इसको स्टोर करके 1 ईयर तक भी रख सकते हैं, लेकिन इसको टाइम टाइम से आपको थोड़ा सा धूप में रखना है ताकि इसके अंदर कुछ फंगस वगैरह ना आए। देखिए, ये फ्राई कर ली मैं, आपको जितने चाहिए उतने फ्राई कर ले सकते हैं।
ये बनाते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि इसको अच्छे से धोइए और उसको पोंछ कर, उसको ड्राई करके, उसका मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करके आप उसको मसाले ऐड करिए और उसमें नींबू ज़रूर ऐड करिए। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका मज़ा, बहुत मज़ेदार हो जाते ये। और इसको आप खट्टी दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको कोई भी साइड डिश के तौर पर इसको सर्व किया जा सकता है। एक बार इस बकरी पे आप इसको ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।